वाहे गुरु जी। वाहे गुरु वाहे हर कीर्तन जागे हर कीर्तन जागे जागे हर कीर्तन जागे जियरे 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 भोला नाम का जियरे 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 भोला नाम का जियरे 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 भोला नाम का अब Thank you.
अब जतन नहीं पाई है, बट भाग हर ध्याई है, बट भाग हर ध्याई है, संग मिले नाम नानक, नाम नानक नानक
जियरे भोला नाम का जपो जियरे 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 भोला नाम का छाड़ मेरा कर बंदगी छाड़ मेरा कर बंदगी छाड़ मेरा छाड़ मेरा कर बंदगी छाड़ मेरा कर बंदगी छाड़ मेरा हृदय नाम समाज सवेरा सवार सवेरा छाड़ मेरा घर बंदगी छाड़ मेरा घर बंदगी छाड़ मेरा वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु छाड़ मैं
क्या तू सोया जागया ना, क्या तू सोया जागया ना, क्या तू सोया
संगत जी साहिब सच्चे पातशाह ने रहमत करके अपनी नजरे इनायत साढ़े सारियां दी झोली विच बख्शीश कीती है। सतसंगत दी दात ए अनमोल समा अनमोल कड़ियां गुरु साहिब जी ने साढ़े हिस्से पाईयां हन। कर कृपा गोविंद प्रभु प्रीतम दीनानाथ सुनो अरदास। ये अरदास समागम है उस गुरु की प्यारी आत्मा लई जिन्होंने पूरी जिंदगी कीर्तन नू अपने जीवन का हिस्सा बनाया। ये लास्ट शब्द है दासरियां दा और ये कंपोजिशन जड़ी है ये मेरे साथी मेरे भी हुशियार सिंह जी ने तैयार की है। आओ नाल मिलके साहिब सच्चे पातशाह जी के चरणों में अरदास करिए कि ऐसिया रूहां ऐसे कीर्तनिए इस संसार में साहिब सच्चे पातशाह बार बार भेजते रहन ताकि वह जिथे अपने परिवार का आप का भला करते हैं उत्थे वह समुची कौम का कायनात का भी भला करते हैं। आओ नाल मिलके गायन करते हैं। गुरु रहमत करे आप सभना दियाँ अरदासा हाजरियाँ अपने दर कबूल करन।
बड़ी साधारण रीत है आप जी ने नाल मिल के गायन करना जी। कोई रसना खाली ना रहे, लवाओ सारे हाजरी। दीना ना सुनो अरदास, दीना ना सुनो अरदास, जी दीना ना कसरे पंखी सिमर हर निकसरे पंखी सिमर हर मिल साधु शरण कहो मोहकी
कर कृपा गोविंद प्रभु प्रीतम दीनानाथ सुनो वरदा दीनानाथ सुनो वरदा दीनानाथ सुनो वरदा दीनानाथ सुनो वरदा कर कृपा गोविंद प्रभु प्रीतम जपो कर कृपा कर कृपा गोविंद प्रभु प्रीतम कर कृपा गोविंद प्रभु प्रीतम दीनानाथ सुनो वरदा दीनानाथ सुनो वरदा हो दीनानाथ सुनो वरदा की संगत जी कीर्तन कर दिया हुई हैं बेन पुलां आप सर्वत संगत ते गुरु साहिब बख्शनहार हैं बख्श देना जी सेवक परिवार वालों इस परिवार का मैं रोम रोम करके रहनी हाँ इधर बड़ी दो तीन महीने के अंदर ही इन्होंने मैनू अज तीजा मौका दिता है कीर्तन का आप सारिया नाल गुरु साहिब जी दे गुण गाण दा गुरु की बाणी नाल सांझ पाण दा आप जी दे चरण परसन दा इस सुभागा समा गुरु ग्रंथ साहिब जी ने इस परिवार के सिर ते हाथ रख के दासरिया नूं बख्शीश कीता है। मेरे तो ज़्यादा आप सारे इस परिवार नूं जानदे हो, पिंड विच भी मैं देख के आया, दो चार दिन पहला समागम सी उत्थे भी इन्हां दी निरंतर बड़ी वड्डी सेवा चल रही है। इत्थे तक कि ग्रंथियां दी सैलरी स्टाफ दी ओह भी ये परिवार ही पे करदा। सो ये सोच जड़ी है ये किसी किसी के हिस्से विच साहिब जी बख्शते हैं। सो गुरु रहमत करन बख्शिश करन जिन्हां दी याद विच आप सारे जुड़ बैठे हो, ये तो कहना शोभा नहीं दिंदा कि उन्होंने चरणों में निवास बख्शिश करूँ। थोड़े दिन दो चार दिन पहला ना मैं किसी नाल मिलिया तो इदा दी कोई गल चल रही सी, वो कहिंदे तुसीं दुनिया में सुनते हो कि जड़ा नियम बनांदा है जड़ा कानून बनांदा है उसनों कदे सज़ा हुई है। मैं क्या यार मैं तो सुनिया नहीं है। तो कहिंदे फिर गुरु के कीर्तन ही और गुरु के ग्रंथ ही भी ऐसे ही हैं, साहिब सच्चे पातशाह इन्हां नूं आप बख्शीश करदा, इन्हां दी भुल्लां भी वह आप बख्शदा, क्योंकि अपनी गोद विच निरंतर बिठा के इतना लंबा समा जिहदे कोल अपना जस गवाए बापू तो उन्हूं बख्शेगा नहीं कितें। सो साहिब सच्चे पातशाह रहमत करन बार बार ये गल आखनी कि उन्हां दी अंतिम अरदास उन्हां नूं चरणां विच निवास बख्शीश करो, ये मैनूं लगता है कि ये बहुत ज़्यादा शोभा वाली गल नहीं है कीर्तनीए वास्ते, क्योंकि उन्हों का जीवन वैसे ही गुरु की बाणी नाल इकमिक है। और जो पहली अरदास हो जाती उस तो बार बार ये रिपीट करना कि चरणों में निवास बख्शो गुरु ग्रंथ साहब जी के तहूँ भरोसा नहीं भी पहला उन्होंने तुहाडी अरदास नहीं कबूल की होनी, वो बड़ा डाढ़ा है बड़ी रहमत वाला है।
साहिब सच्चे पातशाह रहमत करन, आप सबना दियां झोलियां विच नाम सिमरन दियां खैर बख्शीश करन, इस परिवार नूं चढ़दी कला दी दात बख्शन, आप सारिआं दा रोम रोम करके रेणी हाजी भुल्ला ना चितारदे होए फतेह नाल सांझ पाओ। वाहिगुरू जी का खालसा।